सो हाय गाइस, तो सबसे पहले यार दिल से सॉरी क्योंकि 2 दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, मतलब कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था इसलिए। खैर गाइस, आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियो देखने को मिलने वाले। अब देखो यार, जो ईवो वर्ल्ड इवेंट है बहुत जल्द तुमको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, कोबरा MB40 को साथ में जो कि लेकर आएगा। नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड के अंदर आपको देखने को मिलने वाले कोबरा MB40, ड्रैको AK, ईवो UMP। अब इस तरीके से कौन से कन्फर्म गन स्किन को दे दिया जाने वाले है कोबरा MB40 के साथ एंड नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट का कन्फर्म डेट क्या है, सब कुछ तुमको आज हम विस्तार में बताएंगे। कोबरा MB40 को बाय करने पर कितना डायमंड खर्च होने वाले हैं ये भी तुमको आज हम बताने वाले इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा गाइस, हर रोज की तरह आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ कमाल के अपडेट्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि बात करेंगे नेक्स्ट रिंग इवेंट के बारे में जिसके अंदर तुमको बढ़िया बंडल के साथ बढ़िया ग्लू वाले स्किन, इमोट सब कुछ देखने को मिलने वाले हैं। देन हम बात करेंगे अपने एनिवर्सरी स्पेशल एक रिंग इवेंट के बारे में जिसके अंदर तुम्हें सिर्फ एनिवर्सरी के आइटम्स बैक मिलने वाले हैं। साथ ही में बात कर लिया जाएगा नेक्स्ट एनिमेशन के बारे में, कौन सा एनिमेशन हमको हमारे गेम के अंदर जो बैक देखने को मिलने वाले। बात करेंगे नेक्स्ट फेडरल इवेंट के बारे में। अब इस तरीके से और भी बहुत से कमाल के अपडेट्स तुमको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो बस अब लोग वीडियो को देखते रहो, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट एनिमेशन के बारे में। 2 एनिमेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है, बुलेट मास्टर वाला और एक राजाओं वाला एनिमेशन। पहले हम देखते हैं राजाओं वाले को, क्योंकि यार वैसे तो रियल में राजा बन नहीं सकते, गेम में ही बनते हैं। तो खैर गाइस, मजाक से हट के आपको यहां पर मैं एनिमेशन का रिव्यू करा दे रहा हूं। कुछ ऐसा एनिमेशन डिजाइन किया गया है, अकॉर्डिंग टू लीक ये बताया जा रहा था कि ये एनिमेशन हमको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन तभी बीच में एंट्री होता है अपने बुलेट मास्टर एनिमेशन का। बताया जा रहा था कि बुलेट मास्टर एनिमेशन को 7th एनिवर्सरी स्पेशल गेम के अंदर दिया जाएगा। हां, ये बहुत पहले डिजाइन हुआ था, लेकिन अकॉर्डिंग टू लीक कि अपना बुलेट मास्टर एनिमेशन एनिवर्सरी स्पेशल गेम के अंदर हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो भाई इसलिए सबसे पहली बात, अगर हम बात करें न्यू एनिमेशन जो आपको यहां पर हमने दिखा दिया है, ये वाला एनिमेशन ही आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो ये न्यू एनिमेशन है, तो इसको करना वाले अपने गेम के अंदर देंगे, शायद से ये भी आपको अपने फेडेड व्हील इवेंट के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। एनिमेशन बड़ा भयंकर लगा है और मुझे देखने पर ये काफी बढ़िया भी लगा है। बाकी किस किस को पसंद आया है ये एनिमेशन भाई, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखो यार, दूसरी बात रह जाता है यहां पर बुलेट मास्टर वाला एनिमेशन, फिर इसका क्या कुछ होगा। तो भैया देखो, अनाउंस तो ये किया जा रहा था कि हमको एनिवर्सरी स्पेशल बुलेट मास्टर वाला एनिमेशन गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इसलिए भाई शायद आपको बुलेट मास्टर वाला जो एनिमेशन है ये फिर से अपने पेंडिंग में रख दिया जाएगा, ये अब आपको अपने गेम के अंदर देखने को ना मिलने वाले है। जैसा ये पहले से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, वैसे आगे भी ये पेंडिंग में पड़ा रह जाएगा। जो न्यू एनिमेशन आपको हमने दिखा दिया है वो गेम के अंदर आ जाएगा, बुलेट मास्टर वाला एनिमेशन फिर से पेंडिंग में पड़ा रहेगा। अगर गरना वाले उसको देना चाहेंगे तो फिर अलग किसी इवेंट के थीम पे उसको अपने गेम के अंदर दे देंगे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि गाइस मान लो गेम के अंदर कुछ भी बढ़िया इवेंट्स वगैरह फिलहाल ना चल रहा हो, कुछ दिन के लिए कुछ भी इवेंट्स गेम के अंदर नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे गरना क्या कर सकते हैं, बस इवेंट को चलाने के लिए, गेम को रन कराने के लिए अपने बुलेट मास्टर वाले एनिमेशन को गेम के अंदर अचानक से देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, इसके बारे में कुछ कन्फर्म बैनर वगैरह मिलते हैं, तो फिर वो हम आपको बता देंगे, हम आपको क्लियर करके एकदम क्लियर कर देंगे आप लोगों को बताकर कि यार बुलेट मास्टर वाला एनिमेशन अब आएगा, तब आएगा जब भी उसके बारे में लीक्स अपडेट्स मिलेगा। फिलहाल तो इतना जान लो, जो राजा वाला तुमको हम एनिमेशन दिखाए हैं वो पहले तुमको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, उसके बाद कभी अगर करना चाहेगा तो बुलेट मास्टर वाला एनिमेशन भी देखने को मिलने वाले। खैर आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और यहां पर हम कवर करने वाले हैं असल में एनिवर्सरी स्पेशल एक न्यू रिंग इवेंट को, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो 6th एनिवर्सरी स्पेशल जितने सारे आइटम्स को अपने गेम के अंदर दिया गया था उन सारे आइटम्स को यहां पर बैक दिया गया है, और वो भी एक ही रिंग इवेंट के अंदर। अगर हम बात करें आइटम्स की, आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं एनिमेशन, बंडल, ग्लूअल स्किन, इमोट, बैकपैक स्किन, स्कैविंग का स्किन, एक कटना का स्किन और काफी सारे टोकन्स जिनके द्वारा आप लोग इन आइटम को चाहो तो एक स्टोर के अंदर से एक्सचेंज भी कर सकते हो। अब देखो यार, 6th एनिवर्सरी स्पेशल जितने सारे आइटम्स को डिजाइन किया गया था ना, उन सारे आइटम्स को यहाँ पर दे दिया गया है, मतलब बैक करा दिया गया है। लेकिन ये बात बड़ी दुख की सतह को बताना पड़ रहा है भैया देखो, कुछ कुछ सर्वर ऐसा है जहाँ पर एनिवर्सरी इवेंट काफी बढ़िया तरीके से, काफी बड़ा तरीके से मनाया गया है, लेकिन इस बार हमें अपने इंडिया सर्वर के अंदर जो एनिवर्सरी इवेंट है ये कुछ खास देखने को नहीं मिला हुआ है। खास तो दूर की बात है भाई, कुछ बढ़िया देखने को ही नहीं मिला हुआ है। तो इसलिए आपको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो एनिवर्सरी इवेंट है इसके थीम पे हमें ओल्ड आइटम्स गेम के अंदर बैक आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मेरे पास रिव्यू तो आ गया था इसलिए हमने आपको रिव्यू करा दिया है, लेकिन शायद ये इवेंट इस बार आपको देखने को ना मिले, क्योंकि यार ये इवेंट बाहर के सर्वर में ऑलरेडी आ गया है, शायद आपको देखने को नहीं मिलने वाले ये इवेंट, क्योंकि एनिवर्सरी इवेंट गेम के अंदर से खत्म होने को है। एंड गाइस, एनिवर्सरी इवेंट को इतना बड़ा भी नहीं किया गया है कि करने वाले इतने सारे आइटम्स को बैक करा दे, तो भाई शायद आपको 6th एनिवर्सरी स्पेशल ये आइटम्स अपने गेम के अंदर बैक फिलहाल देखने को नहीं मिलने वाले, और आगे भी भाई अलग बात रहेगा। आगे तो एनिवर्सरी इवेंट ना चलेगा तो आगे भी बैक देखने को नहीं मिलेगा, पता नहीं करने वाले क्या करने वाले इसको लेकर। अगर मेरे पास कुछ ऐसे लीक्स आते हैं कि यार ओल्ड आइटम्स बैक आ रहा है, तो आपको फिर हम बता देंगे। खैर वीडियो में आगे बढ़ते, बात करते हैं नेक्स्ट रिंग इवेंट के बारे में। आपको यहां पर मैं और एक रिंग इवेंट का रिव्यू करा दे रहा हूं, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, आप लोगों को यहां पर बंडल्स देखने को मिल जाएंगे मेल फीमेल का। वैसे गाइस, बंडल के अलावा आपको यहां पर ग्लूअल का स्किन देखने को मिलेंगे और एक इमोट देखने को मिलने वाले। मतलब खास बात यह है कि आपको यहां पर जितने सारे आइटम्स देखने को मिलते हैं ना, सब कुछ यहां पर फॉक्स के ऊपर बनाया गया है। अब देखो, जैसे कि यहां पर फीमेल बंडल आप लोग देख पा रहे हो, इसमें तुमको मेडिकेट मारने पर इसके पैर के नीचे से कुछ एक फॉक्स निकल कर आ रहा है, कुछ ऐसा तुमको इफेक्ट देखने को मिलेंगे मेडिकेट मारते टाइम। इस तरीके से गाइस, मेल बंडल के अंदर भी तुमको इफेक्ट देखने को मिलने वाले। मतलब भाई साहब, कुल मिलाकर कहना ये
ये है जितने सारे आइटम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं सब कुछ के अंदर आप लोग को फॉक्स का एक इफेक्ट नजर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ग्लूवल भी आपको फॉक्स के थीम पे देखने को मिलने वाले, यहाँ तक कि इमोट को भी फॉक्स के थीम पे डिजाइन किया गया है। ऐसा एक न्यू रिंग इवेंट निकाला गया है जो कि आगे जाकर आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेगा। भाई साहब बंडल वगैरह अगर हम बात करें, थोड़ा सा बढ़िया बंडल तुमको देखने को मिलेंगे। मेल बंडल मुझे ज्यादा कुछ खास लगा नहीं है, खास करके उसके हेयर स्टाइल के लिए भाई कुछ डिफरेंट बनाया गया है तो मुझे ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है मेल बंडल। लेकिन फीमेल बंडल आपको थोड़ा सा बढ़िया देखने को मिलेंगे। ग्लूवल ठीक ठाक सा है, इमोट भी आपको ठीक ठाक सा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई आगे जाकर आने वाले टाइम पे गेम के अंदर कुछ इस तरीके से आप लोगों को एक नया रिंग इवेंट देखने को मिलने वाले हैं जहां पर आप लोगों को ये आइटम्स देखने को मिलेंगे। क्या पता इसके साथ में कुछ और भी आइटम्स को ऐड कराया जाए। वैसे तो भाई चार आइटम्स काफी होते हैं रिंग इवेंट के अंदर आने के लिए। इसके अलावा तुम लोगों को टोकन्स एंड कुछ गन स्किन क्रिएट वगैरह दे दिया जाएगा, देन आप लोग इसीलिए आइटम्स वगैरह को स्पिन करके भी ले सकते हो और टोकन के द्वारा एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो ऐसा एक न्यू रिंग इवेंट निकला है गाइस जो कि आगे जाकर आपको अपने गेम में देखने को मिलने वाले। तो बताना इसके अंदर कौन कौन स्पिन करने वाले हो इन आइटम्स को बाय करने के लिए। वैसे शायद आप लोग को बंडल को बाय करने के लिए 200 तक टोकन देना पड़ सकता है और फीमेल बंडल को बाय करने के लिए शायद 100 टोकन तक आपको देना पड़ सकता है। ग्लूवल शायद 40-50 टोकन में मिल जाएगा और इमोट शायद से वही 30-40 टोकन के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह आपको नेक्स्ट में अपने रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। खैर गाइस यहां पर हम नेक्स्ट अपडेट कवर करते हैं। असल में ये होने वाले अपना एक न्यू फेडरल रूल का इवेंट, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो आपको मैं यहां पर एक फीमेल बंडल का फेडरल रूल का इवेंट दिखा दे रहा हूं। कुछ गन स्किन क्रिएट और बंडल को अलग अलग पार्ट में यहां पर दिया गया है अपने फेडरल रूल इवेंट के अंदर। बट हां आप लोग को इस तरीके से देखने को नहीं मिलने वाले हैं, आप लोग को पूरा का पूरा एक बंडल ही देखने को मिलेंगे। अब दोबारा OB44 अपडेट से पहले इस बंडल को डिजाइन किया गया था और ये एक पेंडिंग बंडल के रूप में पड़ा हुआ है गेम के अंदर आने के लिए। सर्वर के अंदर तो अलग अलग जो सर्वर है वहां पर तो ये आ चुका है, मतलब बहुत पहले ही। सो ये बंडल आपको आगे जाकर अपने गेम में देखने को मिल सकते हैं। अब इसको तुम लोग नेक्स्ट फेडरल रूल मत समझो क्योंकि यार ये बंडल हमको फेडरल रूल के अंदर ही मिलेगा ये बात तो तय नहीं किया गया है। गरना अगर चाहेगा तो दूसरे किसी इवेंट के अंदर भी हमको ये बंडल दे सकते हैं। बट हाँ देखो यार ये बंडल पेंडिंग में पड़ा हुआ था, आगे जाकर आपको अपने गेम में देखने को मिलने वाले इतना मुझे पता चल गया था, सो इसलिए हमने आपको बता दिया। तो खैर गाइस फिलहाल इसके साथ में अब हम जरा आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं अपने नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट के बारे में कि हमको अपने गेम के अंदर जो नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट देखने को मिलने वाले उसके अंदर कौन कौन से गन स्किन देखने को मिलेंगे एंड हाँ वो किस कंफर्म डेट में हमें अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले। पहले हम डेट कंफर्म करते हैं। तो भाई पहले आप लोग जाओ अपने गेम के अंदर जाकर चेकआउट करो फिलहाल और इवो वॉल्ट इवेंट कितना दिन के लिए बाकी है, उतना दिन बाद आपको न्यू इवो वॉल्ट इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो भाई पहली बात तो ये क्लियर होता है कि जितना दिन फिलहाल इवो वॉल्ट चल रहा है ठीक उतना दिन बाद आपको न्यू इवो वॉल्ट इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब हम आते हैं गन स्किन के ऊपर। अब गाइस देखो अगर हम देखें तो भाई बहुत टाइम से हमको अपना कोबरा MP40 इवो वॉल्ट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है और बहुत से भाई लोग चाहते हैं कि कोबरा MP40 को ही अपने इवो वॉल्ट के अंदर बैक दे दिया जाए। कुछ लीक्स की माने, अपडेट की माने, डाटा माइनर की माने तो भाई ऐसा अकॉर्डिंग टू लीक बताया जा रहा है कि इस बार हमको अपने इवो वॉल्ट के अंदर कोबरा MP40 ही देखने को मिलेंगे बैक में। अब वैसे तो इवो पाराफल वगैरह चल रहा है वो तो रह जाएगा एंड अगर हम बात करें दो गन स्किन, क्योंकि इवो रोटेशन इवेंट आएगा इवो वॉल्ट में से दो गन स्किन को हटाकर दो गन स्किन दिया जाएगा। अब दोबारा जो गन स्किन आने वाले उसमें हमको एक तो अपना कोबरा MP40 देखने को मिल सकते हैं और भाई दूसरा करना वाले जिसको भी चाहेंगे उसको देंगे, जैसे कि भाई इवो M41 दे दे, इवो EMP दे दे या फिर इवो ओडीपीकर या फिर कुछ और अदर इवो गन्स दे। अगर कोबरा MP40 आते हैं फिर जो दूसरा वाला गन स्किन आपको मिलेगा वो बढ़िया नहीं होगा, ये जान के रख लो। ठीक है तो भाई ये हो गया अपडेट अपने नेक्स्ट इवो वॉल्ट के बारे में। देखो अकॉर्डिंग टू लीक बताया जा रहा है कि हमको कोबरा MP40 बैक देखने को मिलेंगे बट हाँ जब तक अपने नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट का कन्फर्म बैनर निकल कर नहीं आता सो तब तक हमको गन स्किन के बारे में बताया नहीं जाएगा। शायद भाई कल परसों तक नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट का जो कन्फर्म बैनर है वो निकल कर आ जाएगा गेम के फाइल के अंदर, वो ऐड हो जाएगा एंड ऐड होते ही गाइस हम आप लोग को पूरा दिखा देंगे कि यार ये होने वाले इवो वॉल्ट का बैनर और ये गन स्किन आपको मिलेंगी। तो एक बार बस गेम के फाइल के अंदर ऐड होने दो बैनर को या फिर भाई बैनर एक बार लीक के अकॉर्डिंग निकल कर आ जाए फिर हम आप लोग को बता देंगे। आप लोग को बस कल परसों तक वेट करना है, देन आपको बताया जाएगा कि कौन सा गन स्किन आपको नेक्स्ट में अपने इवो वॉल्ट के अंदर देखने को मिलने वाले। तो खैर इसके साथ गाइस मेरा वीडियो आज कहीं तक था बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं हर दिन की तरह कल से हमको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।